हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिगो के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 30 नवंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स ये दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंडिगो में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन इंडिगो में 0.34% का यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 1894.50 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो है यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउन साइड आ सकता है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो है आपको यहाँ पे बताएंगे और आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर हमारा एक ओपिनियन देंगे और आने वाले दिनों का जो आपको छोटा सा हिंट भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वनडे के चार्ट में। तो यहाँ पे ये वनडे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वनडे के चार्ट में वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज से ज्यादा हमें आज के दिन जो वॉल्यूम देखने मिल रहा है और यहाँ पे मैं कहूँगा एक 200 MA से थोड़ा ही ऊपर यहाँ पे डिफरेंस में हमें एक यहाँ पे अच्छा सपोर्ट जोन देखते हुए जो है अपसाइड मोमेंट स्टॉक में हमें देखने मिला है। लेकिन क्या यहाँ से अब जो है ये इतना डाउन साइड जो आ रहा था अब क्या ये रिवर्सल शुरू हो सकता है? तो यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा जो है मैं कहूँगा चांसेस कम है। अगर बात करें हम RSI की, RSI यहाँ पे जरूर जो हमें एक पॉजिटिव का इशारा देता है 37-38 के आसपास जो जरूर आज RSI आ चुका है जरूर जो है पॉजिटिव का इशारा थोड़ा सा यहाँ पे देता है। लेकिन याद रखें RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं हमें जो उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों में फिलहाल ये स्टॉक जो है जरूर आपको कुछ पॉजिटिव जो है यहाँ पे आपको दे सकता है। लेकिन याद रखें ये कोई भी जो है परमानेंट पॉजिटिव यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा जो है आपको मैं कहूँगा एक प्राइस को यहाँ पे देखते हुए जो है यहाँ पे अपना एक मैं कहूँगा स्ट्रेटेजी बनाना है। करेंटली स्टॉक जो है वो अभी भी नेगेटिव है, लेकिन अगर आप चाहे थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा सा मैं कहूँगा यहाँ पे आप रिस्क खेल सकते हैं। यहाँ पे 51% ऐसा चांस है कि यहाँ पे आपका जो है डाउन साइड चले जाए। लेकिन करेंटली यहाँ पे इस वीक के लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा आपको पॉजिटिव मतलब यहाँ पे ये जो 200 MA का जो है सपोर्ट लिया तो यहाँ पे ऐसा लगता है 50 EMA तक जरूर ये स्टॉक जो आपको आते हुए देखने मिल सकता है, मतलब 2100 तक जो है आपको स्टॉक जाते हुए देखने मिल सकता है। बढ़िया यहाँ पे मैं कहूँगा अपसाइड मोमेंट का एक इशारा यहाँ पे हमें जो है मिल सकता है। यहाँ पे इस वीक के लिए मैं कहूँगा जरूर जो है ये हफ्ते मतलब ये फ्राइडे तक आपको जो है थोड़ा सा अपसाइड का यहाँ पे आपको इस स्टॉक में देखने मिल सकता है। करेंटली आने वाले दिनों के लिए मतलब नेक्स्ट वीक के लिए अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक में जो है यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही है अभी भी जारी। इस वीक फ्राइडे के लिए यहाँ पे मैं कहूँगा फ्राइडे तक का मैं अगर कहूँ तो यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव मूवमेंट आपको देखने इस स्टॉक में मिल सकता है। आपको क्या लगता है स्टॉक में क्या हो सकता है आने वाले दिनों में हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूँगा अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोज मतलब 4 स्टॉक्स से जो एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे जो है आपको चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो जरूर जो है हमारे चारों के चारों वीडियो देखें। बाकी यहाँ पे बात करते हैं कल के लिए, कल के लिए हम जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और यहाँ पे देखते हैं क्या हमारा सपोर्ट जोन आता है, क्या हमारा रेजिस्टेंस जोन जो है वो आता है। तो याद रखें इस स्टॉक का जो है हमने सैटरडे या संडे को ही जो हमने इस वीडियो लाया था जहाँ पे हमने कहा था कि आज के दिन ये स्टॉक जो है आपको पॉजिटिव देखने मिल सकता है। तो आज के दिन कुछ ऐसा ही स्टॉक में हुआ, यहाँ पे इवन जो शुरू में जरूर जो है डाउन साइड गया था लेकिन फिर अच्छा खासा यहाँ पे रैली किया और यहाँ पे जिस तरह से हमने कहा था एक यहाँ पे जरूर जो है हमारा एक रेजिस्टेंस जोन को जो क्रॉस करते देखने मिल सकता है। कुछ उसी तरह से यहाँ पे हमें जो है 1923 तक जो है या फिर उसके ऊपर भी मैं कहूँ तो थोड़ा सा हमें जाते हुए देखने ये स्टॉक मिला। तो अगर आपने यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया होगा तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी अगर आपको जानना है यहाँ पे इसका कल के लिए तो कल यहाँ पे मैं कह दूँ क्लोजिंग सबसे पहले हम बात करेंगे। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 1894 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है तो डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे बनता है 1876 का और डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो वो बनता है 1900 का। याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले
तो यहाँ पे जो आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ पे वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो क्रॉस हो, और फिर यहाँ पे आपको कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो अपना यहाँ पे ट्रेड लेना है विद यहाँ पे डिफरेंस रखते हुए, चाहे टारगेट हो या फिर आपका स्टॉप लॉस हो, उसको हमेशा डिफरेंस आपको रखना है। डिफरेंस यहाँ पे जो है हर एक चीज़ जो है कन्फर्मेशन कैंडल डिफरेंस आपको क्यों रखना है, किस तरह से रखना है, सारे के सारे चीज़ें जो है हमने हमारे पुराने वीडियोस में कही है। तो ज़रूर जो हमारे पुराने वीडियोस को देखें जो मोस्टली यहाँ पे आपको 9 मिनट के ऊपर देखने मिलेंगे, वहाँ पे हमने जो आपको समझाया, तो ज़रूर जो उस वीडियो को आप देखें। कोई भी आप वीडियो देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंडिगो का ही वीडियो देखें, कोई दूसरे स्टॉक का भी आप वीडियो देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कैसे कन्फर्मेशन कैंडल देखनी है, कैसे आपको यहाँ पे जो है डिफरेंस आपको अपना देखना है। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में कल के लिए, तो कल यहाँ पे मैं कहूँगा आपको जो ये स्टॉक ज़रूर जो है एक यहाँ पे शुरू में डाउन साइड दे सकता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है आपको अपसाइड मोमेंट दे सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूँगा कि पॉजिटिव का यहाँ पे इम्पैक्ट रह सकता है कल के दिन, थोड़ा सा यहाँ पे रह सकता है, लेकिन कन्फर्मेशन कैंडल को आपको देखते हुए जो है यहाँ पे जाना है। याद रखें यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये जो मार्किंग्स है वो हर एक सपोर्ट और हर एक रेजिस्टेंस को आपको यहाँ पे देखते हुए जो अपना यहाँ पे ट्रेड लेना है। कन्फर्मेशन कैंडल हमेशा देखते हैं, जितनी बार भी स्टॉक क्लोज क्रॉस हो तभी भी, और स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट जोन को क्रॉस करे या फिर रेजिस्टेंस को क्रॉस करे तब भी। तो याद रखें अपना टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों हमेशा ही मेंटेन करके रखें, बिना टारगेट और स्टॉप लॉस के यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। बाकी यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन बनता है स्टॉक में कल के लिए हमें ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।